आज हम जानेंगे कि हाउ टू चेंज पैरामीटर इन फानुक कंट्रोल सीएनसी मशीन, के एक सीएनसी मशीन के जो पैरामीटर हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, ये एक कंट्रोल पैनल है, ये वीएमसी मशीन का, और ये जो आपको ये दिख रही है लाइनिंग, इसको सीआरटी बोलते हैं, और ये एमडीआई, ये कीपैड है इसका, और ये इसके स्विचेस हैं जो इसे मतलब किसी भी डायरेक्शन में चलाने के काम में आते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी एमडीआई पैनल का बताया आपको, और ये जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो ऑन होने के बाद में मशीन के अंदर कोई भी मशीन है तो ये जैसे एक्स वाई जेड ए, ये एक्सिस को दिखाती है कि एक्स एक्सिस अभी इसमें देखो जैसे 57.220 पे है, वाई 238 पे है, जेड 441 पे है, और ए मतलब फोर एक्सिस जो कि अभी नहीं है, वो जीरो है, मतलब इसमें काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पोजीशन को जो ये दिखा रहा है इसमें एक सिस्टम की होती है, जैसे देख रहे हो अभी एमडीआई पैनल जो मैंने दिखाया था उसमें इस तरह की एक सिस्टम की होती है, तो हम इस सिस्टम की को दबाएंगे। तो सिस्टम की को जब हम दबाएंगे तो उसके बाद में हमारा ये डायग्नोस सिस्टम जाएंगे, डायग्नोस के बाद में फिर उसमें ये इस तरह की हमारी स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर जैसे हमें कोई पैरामीटर चेंज करना है तो उसके लिए जैसे हमें 3202 पैरामीटर बिट नंबर 4 का चेंज करना है, तो ये देखो यहाँ पे हमने ये 3202 लिख दिया है, 3202 ये यहाँ ग्रीन कलर में दिख रहा है, और इसको लिखा है हमने जो न्यूमेरिकल की होती है उनको दबा के। उसके बाद में ये नीचे नंबर सर्च, इसके बाद में नीचे नंबर सर्च का ये दिख रहा है जहाँ नंबर सर्च लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको जब सर्च करेंगे तो हमारा ये डिस्प्ले ये जो है हमारा खुल जाएगा। तो जिसमें 3202 पैरामीटर खुल चुका है, और इसमें हमें बिट 4 अगर हम देखें तो 1 2 3 4, NE9 जो है ये 1 है, हमें इसको 0 करना है, तो उसके लिए हम जो है 0 करने के लिए इसे दोबारा से MDI पैनल का जाएंगे, ये ऊपर से अप डाउन वाले एरो हैं, इन अप डाउन की सहायता से, लेफ्ट वाले की सहायता से हम ये NE9 के 4 पे कर्सर को ले आए घुमा के, ये जो हमारा कीपैड है इसकी मदद से। फिर इसके बाद में हमने इनपुट इसको 0 दबाया, जो 0 कीपैड में 0 न्यूमेरिकल की है, तो 0 दबाने के बाद में फिर हमने ये जो इनपुट वाली की है इसको दबाएंगे, तो इनपुट वाली की दबाने पे ये जो NE9 है ये पहले अभी 0 था, तो ये 0, ये जो 1 है, ठीक है, और ये अब हमने 0 इसमें यहाँ पे टाइप कर दिया है, तो जब इनपुट वाली की दबाएंगे तो इसमें होगा क्या कि ये 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम पैरामीटर वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी भी उसको।